हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन टू एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में स्क्रीन का रिफ्रेश रेट आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग का पेज ओपन करिए, इसमें आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले का, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, ये पेज आएगा, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हाई और दूसरा स्टैंडर्ड। अगर आपका स्टैंडर्ड पे टिक मार्क लगा हुआ है तो इसमें आप जो है ना हाई पे टिक मार्क लगा लीजिए इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन का जो स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो डिस्प्ले होती है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है और हमारा रिफ्रेश रेट यानी कि बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी हैंग नहीं करता, बहुत ही अच्छे से स्मूथली चलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है।